नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड का पेज लेआउट टैब, जो कि तीसरा टॉपिक है एमएस वर्ड का। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला ग्रुप है थीम्स ग्रुप। थीम्स ग्रुप में देखते हैं किसमें जो भी मिलते हैं ऑप्शंस, अगर इनको हम नॉर्मली अप्लाई करेंगे तो आप इनको नहीं जान पाएंगे किस तरीके से थीम्स इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज कलर ले लेते हैं और कोई भी कलर कर लेते हैं पेज का, ताकि आप जान पाएँ। और इसको जानने के लिए विशेषतः हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ भी टाइप कर लेते हैं इस तरीके से और एंटर कर देंगे, तो इस तरीके से पैराग्राफ टाइप हो जाता है। और इसको अगर हमको बड़ा बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर, इस तरीके से बड़ा हो जाता है शॉर्टकट की से। फिर हम देखो इस पे अप्लाई करते हैं थीम, तो आपको जो है इनमें चेंजेस दिखेंगे इस तरीके से। कोई भी थीम अगर अप्लाई करते हैं तो आप बड़े नॉर्मली से चेंजेस दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम कलर खाली अगर चेंज करना चाहें, जैसे बैकग्राउंड का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट उसके जो नीचे ऑप्शन है फॉन्ट्स, फॉन्ट्स में क्या होता है कि जो हमने फॉन्ट्स लिख रखे हैं उनमें अगर कोई केवल चेंजेस करना है, कलर जो पीछे का वही रहेगा, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इफेक्ट्स क्या होते हैं। इफेक्ट्स जो हम देखने के लिए कोई भी एक शेप इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे कि मान लिया हमने ये शेप इंसर्ट करा ली है, ठीक। और अब इस पर हम इफेक्ट्स लगाते हैं, बहुत ही हल्का इफेक्ट्स दिखता है, किसी से भी कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं, हम इसको हटा ही देते हैं। पेज सेटअप ग्रुप में आते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होती है, बेसिकली जो हमारे जो कंटेंट लिखा गया है टेक्स्ट और पेज के बीच में जो छुटी हुई जगह होती है, ये सारी मार्जिन बोलती हैं। ऊपर की ये मार्जिन है, मतलब लेफ्ट मार्जिन ये है, टॉप मार्जिन ये है, और राइट मार्जिन ये है, और डाउन मार्जिन ये है। तो हम मार्जिन्स को देखेंगे यहाँ पर, पेज वाइज भी ले सकते हैं। अगर नॉर्मल पेज की देखें तो मार्जिन कितनी है, टॉप वन और बॉटम वन, सब में वन वन होती है जो नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली लेते हैं डिफॉल्ट रूप से कि मार्जिन कौन से लगे रहते हैं नॉर्मल। लेकिन हम चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक। ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारा पेज जो है पोर्ट्रेट मोड में है, मतलब वर्टिकल मोड में है। अगर हम चाहें तो लैंडस्केप इसको ले सकते हैं, लैंडस्केप ले लेंगे तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हम चाहें तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप अपने तरीके से कर सकते हैं। फिर बात करें साइज़ की, तो साइज़ यहाँ पर जो है लेटर जो है डिफॉल्ट रूप से लगा रहता है, जिसका 8.5x11 होता है। जैसे क्वेश्चन ट्रिपल सी में इस तरीके से पूछ लेता है डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड का साइज़ क्या होता है, तो लेटर होता है, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, A4 भी ले सकते हैं। नॉर्मली जो हम प्रिंट कराते हैं पेज वो सारे A4 साइज़ के होते हैं। तो अगर बात करते हैं, क्वेश्चन भी आता है कि वर्ड में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला पेज का साइज़ कौन सा है, तो A4 है, ठीक। बात करें फिर यहाँ पर कॉलम की, तो कॉलम नॉर्मली हमारे में एक लगा हुआ है, अगर हम टू अप्लाई करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो टू कॉलम्स में विभाजित हो जाता है। फिर बात करते हैं ब्रेक की, ब्रेक क्या होता है। नॉर्मली जैसे कि कहीं पर भी हम अपना कर्सर रखते हैं और वहाँ से हम पेज ब्रेक कराना चाहते हों तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। लेकिन हम अगर ब्रेक में घुसे, मतलब इसके ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे पेज ब्रेक, जैसे कॉलम के थ्रू अगर हम ब्रेक कराना चाहते हों, नॉर्मली जो हम ब्रेक कराएं वो कॉलम ब्रेक कराना चाहते हों, या टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक कराना चाहते हों, नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हों, कंटिन्यूस या इवन इवन पेज ब्रेक कराना चाहते हों, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनके जिनसे हम पेज ब्रेक कायदे समझ सकते हैं। लाइन नंबर्स क्या होती हैं, देखिए लाइन नंबर सप्लाई अगर हम कर देते हैं कंटिन्यूअस, तो प्रत्येक लाइन का नंबर एक मिल जाता है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइन से नंबर हैं 1 2 3 4 करके, और यहाँ पर लास्ट में 27 आ गया है, ठीक। लाइन नंबर अप्लाई करने के लिए करते हैं, लाइन नंबर्स में और भी सारे हैं ऑप्शन, इन सबको एक देख सकते हैं, या तो प्रत्येक पेज पर हम लाइन नंबर डालेंगे स्टार्ट इस सेक्शन से, तो वो जैसा चाहें हम कर सकते हैं। हाइफनेशन क्या होता है, बेसिकली जब हम कोई ऐसी लाइन लिख रहे हों जिसका कोई लास्ट वाला जो वर्ड हो वो पूरी तरीके से लाइन में ना आ पाए, तो हम एक डैश लगा दिया करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी हाइफनेशन है। तो इसको हाइफनेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक पैरा सेलेक्ट कर लेते हैं और हाइफनेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गैलरी लिखा हुआ था उसमें से GAL ही लिख पाया है, और बाकी फिर हाइफनेशन लग गया है और ये यहाँ पर आ गया है। तो हाइफनेशन इस तरीके से समझा जा सकता है। और इस पर से हम अगर हाइफनेशन हटाना चाहें तो हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और हाइफनेशन पे क्लिक नन कर देंगे, तो ये हाइफनेशन हट जाता है। फिर बात करें यहाँ पर पेज बैकग्राउंड, मतलब कि पेज के बैकग्राउंड में हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। जैसे वाटर मार्क आता है, वाटर मार्क क्या होता है, बेसिकली जो हम देखते हैं कि कोई बुक है तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट रूप से मिलते हैं और हम चाहें तो अपने खुद का भी कस्टम वाटर मार्क में जा करके बना सकते हैं। देखिए कस्टम वाटर मार्क जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओपन हो रहा है,
ठीक। देखिए यहाँ पर एक तो होता है नो वाटर मार्क, चाहे तो हम पिक्चर वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। पिक्चर वाटर मार्क में यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर टेक्स्ट वाटर मार्क भी लगा सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज ये है, और साइज़ की बात करें तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर ASAP लिखा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी एस, मान लिया कि हमने लिख दिया SKS। ठीक, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकें तो हम, और यहाँ एक चीज़ है, कलर भी हम चाहें तो जो हम वाटर मार्क लगाने वाले हैं उसका कलर क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि हमने रेड ले लिया है, और रेड डायगनल लगाएंगे। डायगनल मतलब क्या होता है, इस तरीके से विकर्ण टाइप का, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे मतलब कि तिरछा तिरछा, तो जैसा भी चाहें वैसा हम लगा सकते हैं, मतलब डायगनल हम लगा करके अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पीछे देख पा रहे होंगे SKS बहुत ही हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। अब चूँकि इसका कलर देखिए, अभी जब चेंज करेंगे जस्ट उसके बाद है पेज का कलर सेकंड वाला, तो हम यहाँ से कोई अलग कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब नीचे का जो है आप देख पा रहे होंगे कि वाटरमार्क जो हमने अप्लाई किया था वो कैसा दिख रहा है। फिर बात करें पेज बॉर्डर की, तो यहाँ से पेज के बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक कलर जो है इसका अपने आप हो जाएगा, चौड़ाई इसकी मतलब जो बॉर्डर लगा रहे हैं उसकी कितनी लेना चाह रहे हैं, इस तरीके से हम जो भी है चौड़ाई उसकी ले सकते हैं। और यहाँ से हम आर्ट के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके का पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने कोई भी सिलेक्ट कर लिया है और ओके कर देंगे, तो अब देखिए हमारे पेज के चारों तरफ इस तरीके से बॉर्डर लग सकता है। तो हम ये खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर बात करें इंडेंट की, तो इंडेंट क्या होता है, जैसे कि हमारा जो पेज है वो वहाँ से इसके टेक्स्ट की कितनी दूरी है कहलाता है इंडेंट। लेफ्ट राइट जो है देखते हैं, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिए, अभी चूँकि हमारा जो कर्सर है वो इस वाले कॉलम में है, इसको देखने के लिए हम इस वाले पे लाते हैं और इसको बढ़ाते हैं ज़रा। अब देखिए ये यहाँ पर लेफ्ट से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी जो लेफ्ट से बढ़ रहा है, अगर राइट से चाहें तो इसको हम राइट से भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर एक कॉलम कॉलम में है तो इसलिए कॉलम को दर्शा रहा है, यहाँ से राइट पर देखें तो इस तरीके से पेज के राइट से ये एडजस्ट होता है। फिर स्पेसिंग क्या होती है, स्पेशली होती है स्पेसिंग क्या होती है, इसमें जो हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर हम इन सब को हटाते हैं ज़रा और अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉलम को यहाँ पर 1 कर देते हैं ताकि आप कायदे समझ पाएँ, और इक्वल टू RANG, और इस तरीके से हमने ये ब्रैकेट ऑन किया और इस तरीके से हमने करा लिया, और कंट्रोल ए कर करके हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको बड़ा कर लेगा। फिर हम क्या करेंगे स्पेसिंग को देखने के लिए, हम देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये है। अब हम अगर देखिए ये पैराग्राफ वाला चल रहा है जो ग्रुप, तो ये सारे चीज़ किस पे अप्लाई हो रही है, पैराग्राफ पे। तो सबसे पहले बिफोर स्पेसिंग मतलब कि अगर हम देखिए यहाँ पर करते हैं, अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो देखिए जो पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर की स्पेसिंग दे रहा है, लेकिन अगर आफ्टर में अगर हमें करनी है तो हम यहाँ से भी अप्लाई, देखिए अब इस यहाँ से छोटा होगा और यहाँ से गैप बढ़ता जाएगा, तो हम जितना चाहें उतना दे सकते हैं और इस तरीके से हम अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं अरेंज ग्रुप पे। अरेंज ग्रुप में जो सबसे पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है पोजीशन। अब पोजीशन के लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जैसे इंसर्ट में जाएंगे, इसको हम डिलीट मार देते हैं या पड़ा रहने दो, हम नए पेज पे आ जाते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और जैसे ही अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ से पेज ब्रेक ले लेते हैं, कहाँ गया ब्रेक, और पेज ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है नए पेज पर। अब हम इस नए पेज पर जो है हम अप्लाई करेंगे ये सारे अरेंज ग्रुप के ऑप्शंस। इंसर्ट पे जाते हैं और पिक्चर्स पे मान लिया गए, और हमने यहाँ से कोई भी पिक्चर ऐसे ये ले ली और इसको इंसर्ट करा लिया, इस तरीके से इंसर्ट हो चुकी है। अब इसमें से बहुत सारे ऑप्शन जो हमने इंसर्ट टैब में पढ़े थे वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन हमको उनसे नहीं मतलब है, हमको पेज लेआउट के ऑप्शन से चाहिए। तो हम यहाँ जाते हैं पोजीशन। पोजीशन कैसी होती है, अब देखिए ये वाली जो है इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साथ में कैसी दिखेगी ये पिक्चर, उसका हम सेट कर सकते हैं। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको हम करते हैं सॉरी कट, और ऊपर आते हैं तब आप कायदे समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब ये पिक्चर जो है हमारी इंसर्ट हो चुकी है, अब हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो ये पोजीशन वाला हमारा ऑप्शन ऑन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर से हम पिक्चर को चाहे जहाँ जैसे कि सेंटर में, मिडल में, लेफ्ट में, राइट में, जैसा चाहें वैसा हम रख सकते हैं, इस तरीके से जहाँ भी चाहें उस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि हम एक और शेप इंसर्ट करा लेते हैं ताकि और बाकी ऑप्शन समझ सकें। यहाँ पर गए, हमने ये शेप इंसर्ट करा ली है और
फिर बाद में आते हैं पेज लेआउट पे और यहाँ से हम देखते हैं ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक क्या होता है। नॉर्मली हमारा जो अगर हम इसको ला करके यहाँ पर छोड़ दें, अब देखिए ये ऊपर है, सेप जो है हमारे पिक्चर के ऊपर आ चुकी है, हम इसको चाहें तो सेंड टू बैक, सेंड टू बैक में भेज देंगे तो ये पीछे चली जाएगी। और अगर हम फिर से देखिए अभी सेलेक्ट वही है, अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो सामने आ जाती है। ठीक, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है? टेक्स्ट रैपिंग बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट के साथ में पिक्चर है वो कैसा दिखेगा उसके लिए अप्लाई कराने के लिए है। अब इसको हम ज़रा किनारे करते हैं और इसको देखते हैं टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट रैपिंग पे आते हैं और सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन लाइन विद टेक्स्ट, अभी क्या है देखिए हम पिक्चर को अगर इधर उधर ले जाएं तो जा नहीं रही है, सॉरी इस तरीके से अगर हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर अलाइन ऑन है, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे तो हम इन लाइन विद टेक्स्ट करते हैं, तब देखिए अंतर क्या होता है। ये लाइन के साथ में है, ये लाइन इसके साथ में है, इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब ये है। फिर स्क्वायर वेव में करते हैं तब क्या है, ये यहाँ पर पिक्चर जो है कि स्क्वायर वेव ले लिया है और उसके चारों तरफ जो है हमारा टेक्स्ट दिख रहा है। फिर बात करते हैं टाइट, मतलब कि थोड़ा सा जो अक्षर हैं वो थोड़ा और टाइट हो गया इसके साथ में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बिहाइंड में चली जाती है, टेक्स्ट हमारा ऊपर दिखने लग जाता है। और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ऊपर ही रहेगी, टेक्स्ट हमारा छुप जाएगा। फिर उसके बाद टॉप एंड बॉटम, मतलब जो हमने लिखे हुए टेक्स्ट हैं वो टॉप एंड बॉटम दिखेंगे। अगर इसको बढ़ा दें देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है और बीच में हमारी जो पिक है। अलाइन को समझने के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ इंसर्ट करा ली हैं और इनको समझते हैं। अब इनको हम एक साथ लेते हैं, शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ये तीनों सेलेक्ट हो चुकी हैं। देखिए ये फॉर्मेट में जाते हैं तब भी हमारी ये सारी जब आकृतियाँ इंसर्ट कराएंगे तो इस तरीके के ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे। हम चूँकि पेज लेआउट पर बात कर रहे हैं तो अलाइन पर जाते हैं, अगर इनको लेफ्ट लगाते हैं अब देखिए तीनों लेफ्ट में लग गए हैं, और अलाइन के थ्रू बाद हम सेंटर पर लगाएं तो तीनों एक बार एक पास आ गए सेंटर में। अगर हम राइट करते हैं तो तीनों ही राइट में एडजस्ट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में हम बात करें टॉप पे, अगर तीनों टॉप बराबर हो जाएंगे और नीचे से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर अगर मिडल में, इसी तरीके से हम सारे ऑप्शन यहाँ पर अलाइन के करके देख सकते हैं। फिर हम बात करें इनको, अभी क्या है कि हम अगर इनको उठाना चाहें तो एक सिंगल सिंग यहाँ पर चूँकि अलाइन जब करते हैं तो ग्रुप में अगर शिफ्ट से हटा दें इनको, अगर हम सिलेक्शन हटा दें तो अब हम इसको उठाते हैं तो सिंगल सिंगल जाता है। लेकिन अगर हम इनको क्या कर दें, ग्रुप कर दें, शिफ्ट के साथ में सबको सेलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, ग्रुप कर दें तो अब हम इनको जब उठाते हैं तो ये एक तरीके से उठते हैं, ठीक, जैसे भी अपनी पोजीशन में थे लेकिन ग्रुप हो चुके हैं तो अपनी पोजीशन लेते रहते हैं। बाद में चाहें तो इनको हम अनग्रुप या रीग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप कर देंगे तो अब एक सिंगल सिंगल, जब तक कि इनको हम ये हटा, जैसे ही इनका वो हटेगा, इसको हमने सिलेक्शन जैसे हटा देते हैं तो ये अपने आप अनग्रुप हो जाते हैं, अगर हम उठाएंगे तो सिंगल सिंगल उठेगा। फिर बात करें पेज लेआउट का, रोटेट ग्रुप जो कि लास्ट ग्रुप है इस पर हम अप्लाई करते हैं, जैसे रोटेट 90, अब रोटेट 90, ये चीज़ सारे ऑप्शन हैं उनको अप्लाई करके देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा पेज लेआउट ग्रुप समाप्त, पेज लेआउट टैब समाप्त होता है। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।